नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ रिचा वर्मा। खबर जिला बिजनौर के नजीबाबाद से है, जहां पुलिस ने अपराध व अपराधियों की रोकथाम और फरार व पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत 26 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल आपको बता दें, ग्राम परमावाला निवासी सुनील कुमार पुत्र प्रकाश नाथ बीती 1 जनवरी 1998 से फरार चल रहा है, जिसको पुलिस ने ग्राम परमावाला से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक तीरज कुमार जाधव द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा भी की गई। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक मोहम्मद कयूम, कांस्टेबल रजत कुमार, रोहित कुमार आदि शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जाधव ने बताया, आज 11 मार्च को नजीबाबाद पुलिस ने पिछले 26 साल से फरार अभियुक्त सुनील कुमार को अरेस्ट किया है। सुनील कुमार 1998 के केस में फरार चल रहे थे। इनको माननीय न्यायालय ने 2002 में मफरूर घोषित किया था। इस पूरी टीम को इस सफलता के लिए मेरी ओर से 10,000 रुपए के नाम से पुरस्कृत किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। थैंक यू। और इसी के साथ जुड़ रहे बंधन समाचार के साथ।